नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। विवादित नाले को लेकर रामनगर उप जिलाधिकारी के द्वारा की गई जांच। रामनगर रोड गौशाला मोड़ से आगे पीपलसाना संगम कॉलोनी में एक नाले का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर रामनगर के उप जिलाधिकारी राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे ने राजस्व विभाग, कोसी विभाग के साथ मिलकर मौके पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने नाले को खोले जाने को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, और वहीं पास में बने खालसा ढाबे के मालिक सतनाम सिंह पर नाले की भूमि पर अतिक्रमण की बात कही है। वहीं जांच के दौरान रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि राजस्व के अभिलेखों में कोई नाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बरसाती नाला है जिसकी जाँच की जा रही है। वहीं एक कॉलोनी का भी पता चला है, उसके क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाएंगी और उक्त कॉलोनी की भी जांच की जाएगी। वहीं सतनाम सिंह का कहना है कि उसके पास अपनी संपत्ति से संबंधित सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। सतनाम सिंह ने कहा कि मुझे एक साल से मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, न्याय न मिलने पर मजबूर होकर मुझको माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। सर, मैं 2019 में जमीन खरीदी, अपनी प्राइवेट भूमि दरी जमीन निजामुद्दीन से खरीदी। सर, मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपना 143 करा के बैंक से लोन लिया, और अपना क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे पे 100 प्राइवेट जमीन में 133 का मुकदमा एसडीएम साहब के द्वारा 2022-23 से चालू करा। इन्होंने मुझे परेशान करने की पूरी वो करी, 1.5 साल से मैं बीमार चल रहा हूँ दिमागी तौर से, और इन्होंने मुझे कोई वो नहीं करा सर, मुझे नजायज तंग करते रहे। इसके बाद मैं हाई कोर्ट जा गया, वहाँ से मेरी सुनी गई, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे ओरिजिनल हैं सर, और वहाँ जाके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो सर, ये सारे खसरे हैं साहब। ये सारे सर खसरे हैं, ये 143 है सर, 12 साल 40 साल सब निकाला सर। सिंचाई विभाग से परमिशन ली थी नाले की मना करने की तरफ से मुझे परेशानी हो रही है, 1.5 साल से मेरा काम बंद कर रखा है पूरा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मुझे पता नहीं है सर, पीछे नजायज कॉलोनी कटी हुई है 2011 की। अच्छा। वो कॉलोनी ना उसका नक्शा अप्रूव है, अवैध कॉलोनी है सर, वो कॉलोनी में जमीन ज़्यादा है, और फिर भी वो डीलरों के द्वारा इनको, जो बंदों को इन्होंने रिहायश करवाई है, कॉलोनी बेची है, उनके द्वारा मुझे परेशान किया गया। तब इन्होंने एसडीएम साहब को बोला विसर ऐसे ऐसे है, और जो नाला कागजों में इसी रिन्यू मैप में नक्शे में नहीं है। इस कॉलोनी का नाम क्या हुआ? संगम कॉलोनी का नाम रखा था 2011 में। मेरा पीपलसाना में पड़ता है सर, 101/5 में और 101/6 में। हाई कोर्ट के द्वारा 101/102/101/3/101/4 101/5 पूरा नाप तोल के इसकी हदबंदी करा के हाई कोर्ट में पेश करने के लिए हाई कोर्ट जज साहब ने कहा। ग्रामीणों का सर मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, पानी आता है सर ऊपर से, और जो नाले नक्शे में नाला है 22 मीटर वो चांदपुर में पड़ता है सर, वो बंद है, और वो बंद करके इन्होंने पीपलसाने की तरफ पानी खोल दिया है सर, और उस नाले को खोला जाए जो हमारे को भी राहत मिले, और कॉलोनी वाले को जिनके घर बने हैं उनको। पहला नाला है यहाँ पे, प्राकृतिक नाला है, काफ़ी वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में बहता है, और इस क्षेत्र पूरा का पूरा जो पानी है उसकी निकासी के माध्यम से होती है। उसी नाले में पिछले वर्ष निर्माण कार्य उसके अवरोध करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, इसमें धारा 123 में कॉम्प्लीमेशन के अंतर्गत कार्रवाई की गई, और जो जिन भी व्यक्तियों के द्वारा नाला अवरोध किया जाता है उन सभी को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अपील आयोजित की गई है,
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए कि संपूर्ण कचरे का एक बार पैमाइश कर दी जाए, इसके द्वारा जो है भूमि पर निर्माण किया गया था इस संबंध में आज न्यायालय में प्रस्तुत किया, उसी तरह में आज पैमाइश। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियां निर्माण करना संज्ञान में आया है, जिसकी प्रत्यक्ष जाँच की जा रही है। यदि कोई अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रहा हो उसके खिलाफ भी क्रय विक्रय रोकने की और जो भी उसमें खुदकुद करने रोकने के आदेश हो पाई गई। तो ये बताइए, जैसे राजस्व का नाला है तो इसका क्या खसरा नंबर है और कितनी इसकी माप है? 101 खसरा नंबर के अंतर्गत ये नाला स्थित है। वर्तमान में ये राजस्व के रिकॉर्ड में नाले के रूप में दर्ज नहीं है, ये ना भूमि में प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक नाला है और इस नाले से पूरे क्षेत्र का पानी प्रभावित होता है, तभी इसके इसमें एक कार्रवाई की गई। सर, जिनके जमीन में से ये जा रहा हूँ, उनका कहना है कि हमारी जमीन रजिस्ट्री वाली है, जैसे वही उसी चीज़ की पैमाइश की जा रही है कि कितनी रजिस्ट्री वाली जमीन है, कितनी जमीन बनी।